आकाशिक रिकॉर्ड क्या है? आज हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, ये पहले से ही आकाशीय रिकॉर्ड्स में स्टोर था। चलिए इस गहरे विज्ञान को टेक्नोलॉजी की मदद से समझते हैं। आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे कि आप अपना स्मार्टफोन वो इस्तेमाल करते हैं, आप उस पर वीडियोस देखते हैं, या आपको कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो तुरंत सर्च करते हैं और वो जानकारी हासिल करते हैं। अब आप सोचिए, वह जानकारी कहां से आई? क्या वह जानकारी आपके फोन में पहले ही उपलब्ध थी? नहीं, वह जानकारी आपके फोन में नहीं थी, बल्कि आपका फोन तो उस जानकारी को दिखाने का केवल एक जरिया है। आप रेडियो सुनते हैं, FM सुनते हैं, या अपने टीवी पर कोई भी मूवी देखते हैं। इतना सारा सभी डाटा आपके छोटे से फोन में नहीं हो सकता, बल्कि इस डाटा को स्टोर करने का एक सोर्स है जिसे हम सर्वर कहते हैं। और वह सर्वर भी केवल इतना ही काम करता है कि आपने जो ट्यूनिंग सेट की है, उस ट्यूनिंग के माध्यम से हवा में मौजूद वो डाटा आपके उस डिवाइस के जरिए पहुंचाता है, जैसे टीवी या आपका फोन। शुरुआत में पहले ये सभी जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती थी वायर के जरिए, जैसे पहले के टेलीफोन वो वायर के साथ कनेक्ट हुआ करते थे, आपके नॉर्मल टीवी वो केबल टीवी के कनेक्शन पर चलते थे। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई और आज लगभग सभी चीजें वायरलेस हो चुकी हैं। और एक ये पक्की बात है कि यहां टेक्नोलॉजी का अंत नहीं होता। हो सकता है हम भविष्य में कुछ ऐसी खोजें कर लें जिसके माध्यम से हम अपने ब्रेन में ही एक चिप या ऐसा कुछ इनबिल्ट कर लें, जिससे सोचने मात्र से ही हम अपने बहुत से काम रोबोटिक तरीके से कर सकते हैं। इंसान की ये सभी खोजें, आपको क्या लगता है, इंसान ने खुद की हैं? अब तक हमने जो कुछ हासिल किया है, ये सब कुछ पहले से ही मौजूद था। और यह सब कुछ संभव हो पाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी का एक ऊर्जा क्षेत्र है, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक एनर्जी या कहें एक शक्ति जो इसे बैलेंस करती है, इसे संभालती है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड किसी तरह से खत्म हो जाए तो इंसान की बनाई हुई वो सभी टेक्नोलॉजी, वो सभी खोजें एक ही पल में ध्वस्त हो जाएंगी। हाँ, हमारे आसपास जितनी भी एनर्जी से चलने वाली चीजें हैं, वो एनर्जी भी पृथ्वी के मैग्नेटिक क्षेत्र की वजह से ही काम करती है। इसी प्रकार से हर ग्रह का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है और इन सभी प्लैनेट्स को जो बैलेंस करती है, जो भी ऊर्जा है, वो सूर्य से मिलती है। ठीक इसी सिस्टम की तरह आपका ब्रेन काम करता है। आपके ब्रेन में जितनी भी नॉलेज है, असल में वो आपके ब्रेन में नहीं है, क्योंकि अगर आप इंसानी दिमाग को खोलकर देखेंगे तो वहां पर सेल्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसे भाषा में लाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि फला फला दिमाग में इतनी नॉलेज है, इसी व्यक्ति के पास इतना ज्ञान है, आपका दिमाग एकदम खाली है। असल में आपके दिमाग में जो आइडियाज आते हैं, जो ज्ञान, जो नॉलेज होती है, जब आपको उसकी आवश्यकता होती है तो आपका ब्रेन क्लिक करता है, उस फ्रीक्वेंसी से मैच करता है जिस प्रकार की जानकारी आपको चाहिए। तब ये यूनिवर्स बहुत ही फास्ट तरीके से, इसके लिए कोई जी देना बेकार है, जैसे 3G, 4G, 5G, बहुत फास्ट तरीके से सभी जानकारी ये यूनिवर्स आपके दिमाग तक ट्रांसफर करता है। नहीं तो आप देखेंगे, जब आप खाली बैठे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, उस समय जितने भी लिमिटेड या छोटे मोटे विचार आते हैं, असल में आप वो विचार खुद ही इन्वाइट करते हैं। आप ऐसा सोचना चाहते हैं, इसलिए वो आते हैं। आपका दिमाग एक सर्च इंजन है, जो भी सर्च करोगे, जो भी ढूंढोगे, वो तुरंत दे देता है आपको, लेकिन उतना ही जितनी की आपकी कैपेसिटी है। तो दुनिया की सभी जानकारियां, सभी नॉलेज, सभी ज्ञान आकाशीय रिकॉर्ड में मौजूद है। सब कुछ पहले से ही उपलब्ध है। अब तक हमने जितनी भी खोजें की, वो सभी खोजें, सभी डिस्कवरी मनुष्य के खोजने से पहले ही मौजूद थी। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अब तक हम नहीं खोज पाए हैं, वो भी पहले से ही उपलब्ध हैं। यूनिवर्स का कोई भी प्राणी कुछ भी नया नहीं खोज सकता, मनुष्य केवल उसे वैज्ञानिक नाम दे सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपने ऐसे भी बहुत से अनपढ़ इंसानों को देखा होगा जो मॉडर्न एजुकेशन में ज्यादा सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास ऐसी ऐसी जानकारी है जिसे विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया है। इस प्रकार की सभी जानकारी कहां से मिलती है? ऑफ कोर्स, आकाशीय ऊर्जा से। आपने सुना होगा कि एक योगी की मेमोरी बहुत तेज होती है, वो किसी भी बात को एक बार सुन या देख लेता है तो उसे हमेशा याद रख सकता है। एक योगी शांत होकर बैठ जाता है,
और वो अपने जितने भी सवालों के जवाब चाहे वो इस ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड से कलेक्ट कर लेता है। वो जानता है सब कुछ मौजूद है। आकाशिक रिकॉर्ड में से जानकारी निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बस आपको भी एक योगी की तरह शांत बैठ जाना है। जब आप भौतिक तल पर पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, आपका शरीर और मन बाधा नहीं बनता, तब आपकी ट्यूनिंग उस आकाशिक रिकॉर्ड से मैच हो जाती है और आपके ब्रेन में वो सभी जानकारी इकट्ठी होने लगती है। तो ये था आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में। शायद आपको ये बात अच्छी ना लगी हो कि आपके पास जो कुछ है, जितनी भी जानकारियां हैं या आप जो कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब कुछ पहले ही मौजूद था, बस आपने उसे पुनः समझा, पुनः जाना।